सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने लियारी के अहम गैंगवार उज़ैर बलोच, निसार मुरई और बल्दिया सानहे की जेआईटी रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, मगर इन रिपोर्ट्स में पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम नहीं है। निसार मुरई की जेआईटी रिपोर्ट में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम सामने आया है और इस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा विफाक के इत्तेहादी जमात जीडीए के रहनुमा हैं। दूसरी जानब अपोजिशन वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद और मुत्तफिक नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन के दो सालों से दावे झूठे और खोखले साबित क्यों हो रहे हैं, इस मौजू पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, साबिका वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नवाज़ विस्तरो साहब। दोनों शख्सियात को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने कोरोना से रिकवर कर लिया। शाहिद साहब, ये बताइए कि अल्लाह ताला ने आपको कोरोना वायरस से निजात तो दे दी है, लेकिन कोरोना जो है वो एक और टाइप का आपके सर के ऊपर मंडला रहा है, क्या तमाम तर केसेस को हुकूमत बेनकाब करने में कामयाब होगी या नहीं? मैं A1 TV का और मोहम्मद अब्दुल साहब को बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मुझे दावत दी। और देखें, बेनकाब तो हुकूमत हो गई है ना, दो साल हो गए, केस को बना नहीं है, तो मैं केसों से नहीं घबराता, केसों में कोई हकीकत नहीं है। इंशाल्लाह दूध का दूध पानी के पानी, मैं तो आज भी कहता हूँ कि टीवी कैमरे लगाएं और तफ्तीश कर लें और अदालतों में टीवी कैमरा लगा दें, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप कर क्या रहे हैं, कि कौन सी करप्शन हुई है। मुझ पर आज तक एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं लग सका। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये बताएं कि जेआईटी रिपोर्ट को अली जैदी ने तो चैलेंज कर दिया है और अली जैदी की बातें जेआईटी में नहीं है, मगर हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि ये वो जेआईटी रिपोर्ट नहीं है, आप इस मामले पर क्या मौकिफ रखते हैं? देखिए, जेआईटी रिपोर्ट आ गई है, उसको उसकी पसंद या नापसंद पर बात नहीं बनेगी। और इसका ताल्लुक अली जैदी से क्या है, वो तो पोर्ट्स का मिनिस्टर है, अगर बात करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करे। बड़ी अजीब बात है, इस हुकूमत में किसी को अपने ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है, हर दूसरे की वजारत में मुदाखलत करते हैं। और जेआईटी हुकूमत ने रिपोर्ट बनवाई है, जेआईटी में महल फौजी अफसर भी शामिल होते हैं, दूसरे महकमों के भी होते हैं, तो किसी की पसंद या नापसंद में रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अच्छा नवाज़ साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ, आप ये बताइए कि ये सिंध हुकूमत ने जो जेआईटी रिपोर्ट पब्लिक की है अली जैदी और निसार मुरई के ख़िलाफ़, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कांता, आप सही कह रही हैं, सिंध गवर्नमेंट ने उज़ैर बलोच और निसार मुरई को जेल में रखने का शदीद तहफ़ुज़ात का इज़हार किया है। उज़ैर बलोच और निसार मुरई माजी में पीपल्स पार्टी के फ्रंट मैन रहे हैं, और अगर जेआईटी रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नाम नहीं आना, ये तो समय से बालातर है। नवाज साहब, ये बताएं कि हुकूमत अपोजिशन के ऊपर बनाए हुए केसेस में नाकाम नज़र क्यों आ रही है? जी, आप सही कह रही हैं, हुकूमत ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनाए। दरअसल पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमा बनाए हैं, और केस को साबित करना ये हुकूमत का काम नहीं है बल्कि नैब का काम है। सियासी जमातें आपस में लड़ने के बजाय कौमी मुल्की सलामती बका को फोकस करें, मुल्क के तरक्की के लिए, मुल्क के तरक्की पर किसी सियासी जमात का कोई का मुजाहरा नहीं है। अच्छा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ खुलकर हुकूमत की नाकामियों का जो है वो ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? मौजूदा हालात में हर जगह पर लीगी क़यादत में सामने सामने नज़र आते हैं, पार्टी के सदर मंजर आम से गायब हैं, क्या नून लीग के अंदर भी किसी किस्म के इख्तलाफात अभी तक बाकी हैं? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। शहबाज साहब लंदन में थे, वहाँ से जब ये फ़्लाइट से बैन लगने लगा, आखिरी फ़्लाइट पर आ गए, अपना काम करते रहे, मीटिंग्स भी कहीं उनका, उसके बाद ये कोरोना का इशू आ गया। उससे पहले उनके घर छापा मारा नैब ने, जिसका कोई पहले भी गिरफ्तार भी किया, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सके, फिर वही मरहला शुरू हो गया। उसके बाद अदालतों में उन्होंने मुकाबला किया, कोरोना हो गया, अब शायद कल नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो उनकी जमात काम कर रही है,
हमारा रोज़ाना उनसे मशवरा होता है और उनकी हिदायत के मुताबिक ही जमात काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून हर इशू को रेज करती है, असेंबली में भी करती है, बाहर भी करती है। सही नवाज साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप बताइएगा कि मुस्तकबिल के हालात को आप किस तरह देख रहे हैं। देखिए कांता, मैं आपको बता दूँ, उसी सियासी जमात का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है जो इस वक्त में कोई प्रपोजल दे अवाम के लिए। ये मौजूदा गवर्नमेंट और पिछली गवर्नमेंटों में क्या फ़र्क रहा है, ये अभी अवाम को समझ आ रहा है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों ने भी जो काम किए, जो वादे किए, वो भी अभी अवाम ने देख लिए। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने 22 साल से क्या किया और क्या कर रहे हैं, ये भी अवाम देख रही है। तो आने वाला मुस्तकबिल उसी पार्टी का होगा, उसी जमात का होगा, वही गवर्नमेंट बनाएगा जो इस गवर्नमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करेगा, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत। सही शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? आने वाले दिनों हालात कैसे बेहतर होंगे? इमरान खान के रहने से बेहतर होंगे? इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है। अब मैं तो बहुत पहले कह दिया था कि ये एक जनाजा है, ये हुकूमत ये पड़ा हुआ है, आप इसका पढ़ के दफन कर दें तो बेहतर होगा। आज मईशत तबाह हो चुकी है, हर आदमी परेशान है, मुल्क की ग्रोथ रुक गई है, बेरोज़गारी आम हो गई है, तो कोई उम्मीद की किरण ख़त्म हो गई है लोगों में। तो अब तो ज़रूरत इस बात की है कि और ये फैसला किया जाए कि मुल्क के अंदर गवर्नेंस का निज़ाम कैसे चलेगा। जिस तरह हम चलाते हैं ये तो ना चलने वाली बात है। और यकीन करें कि अब कोई ये मलबा कोई सियासी जमात उठाने को तैयार नहीं होगी जो आज मुल्क की हालत कर दी गई है। ठीक है नवाज साहब, ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब खुद तो बैक पर हैं और कयादत जो है वो फ्रंट पर है, तो आप इस सारे मामले पर क्या कहेंगे? असल हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ 2 हफ्तों से कोरोना वायरस में मुब्तला थे, उसकी वजह से अपोजिशन में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब जब वो सेहत आफ्ताब हो जाएंगे तो अपोजिशन के साथ फिर अपोजिशन का कहाँ जाना है, क्या फैसला है, क्या करना है, ये तो पता तब पड़ेगा नून लीग का क्या फैसला है जब शहबाज शरीफ मैदान में उतर जाएंगे। तो अच्छा मतलब शाहिद साहब, हम 2018 से आगे हैं या बहुत पीछे हैं? 31 मई 2018 को हमने हुकूमत छोड़ी थी, 4% से कम इन्फ्लेशन थी, 5.8% की ग्रोथ थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, रुपी कंट्रोल में था, थोड़ा सा हमने डिवेल्यू किया था। आपके उस साल के रेवेन्यूज़ जो थे तकरीबन 4000 अरब पे थे और सीपैक चल रहा था, पाकिस्तान इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे। आज आप देख लें कि मुल्क की क्या हालत है, चीनी का रेट देख लें, चीनी तो बाहर से नहीं आती, गंदम का रेट देख लें, बेरोज़गारी देख लें, ग्रोथ मनफी हो गई है। ये तो बदतरीन पाकिस्तान का दुश्मन भी ये काम नहीं कर सकता था जो इस हुकूमत ने किया है। अच्छा नवाज साहब, आपकी इस बसीरत के मुताबिक नून लीग का मुस्तकबिल क्या है? जी कांता, आप सही कह रही हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उसी सियासी जमात का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है जो अपना अच्छा किरदार अदा करे, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, क्योंकि अवाम सुन सुन के थक चुके हैं। पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट रही, उनका भी लोगों ने देख लिया है, अवाम उसको भी पहचान चुकी है, फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उनका भी सारा किरदार कशी सब ने देखा है, उनको भी पता है। अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है जिन्होंने 22 साल से वादे किए, मौजूदा हुकूमत जो हमारी ये पीटीआई की इमरान खान साहब की, उस गवर्नमेंट को भी लोग अभी देख रहे हैं। अब सियासी मुस्तकबिल उसका बनेगा जिन्होंने इन तीनों में से जिन्होंने अच्छा किरदार कशी का काम किया, जिन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अब इन तीनों को एक चैलेंज है, अच्छा किरदार अदा करें, अपने आप को बेहतर करें, बेहतर कैसे साबित करें, ये तो अपोजिशन और गवर्नमेंट की दौड़ लगी है। अब उसी का मुस्तकबिल आने वाले वक्त में हो सकता है जो अच्छा किरदार अदा करेगा, अवाम को मुतमिन करेगा, अवाम के लिए सहूलत के लिए सिर्फ वादे नहीं करेगा, काम करके दिखाएगा। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमने दोनों शख्सियात की गुफ्तगू सुनी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मौजूदा हुकूमत के बारे में ये रिमार्क्स हैं कि ये तो बस एक जनाजा है जिसे अब दफना दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक रही बात जीआईटी रिपोर्ट की, तो मौजूदा हुकूमत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो केसेस नहीं बनाए हुए, बल्कि दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के ऊपर ही केसेस बनाए हुए हैं। और जीआईटी में पीपल्स पार्टी का नाम ना आना ये समझ से बालातर है, क्योंकि गुज़श्ता जितने भी केसेस हुए उनमें ये कहा गया कि उज़ैर बलोच और
निसार मुरई जो हैं वो पीपल्स पार्टी के फ्रंटमैन रहे हैं। आने वाले दिनों में आगे क्या होता है इंशाल्लाह सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे, आवाम के सवालात का जवाब देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।